अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं हाफिज़ अब्दुल्ला मक्की, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह जुमा की नमाज़ अदा करने के लिए मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की, सड़क क्रॉस की और बस का इंतज़ार किया। बस आई, बस में बैठा। पिछली दफ़ा मैंने जो है इसी तरीके से करना था, मैंने बस में ही बैठना था और हरम शरीफ आना था, देखना था क्या किराया लगता है या नहीं। लेकिन पिछली दफ़ा ऐसा हुआ कि एक टैक्सी वाला मिल गया, उसने कहा कि यार मुझे आगे जाना है, सवारी नहीं है, अगर नहीं बैठोगे तो मैं आगे नहीं जा पाऊँगा, चेक पोस्ट क्रॉस नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने पिछली दफ़ा टैक्सी इस्तेमाल कर ली थी, लेकिन इस दफ़ा अभी मैं बस में बैठा हूँ। बस जो है दो स्टॉप पे रुकी है, लेकिन किसी से भी कोई किराया नहीं लिया गया। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई इतनी ज़्यादा ख़ास सख्ती नहीं हो रही। किसी स्टॉप पे बंदे हैं जो चार रियाल लेते हैं, चार रियाल लेके आपको टिकट देते हैं और उस टिकट के बिहाफ पे आप जो है मक्का मुकरमा के इलाकों में जाते हैं, और वो टिकट मेरा ख़्याल है कि दो घंटे या तीन घंटों के लिए वो एक्टिव होती, फिर उसके बाद वो टिकट भी ख़त्म हो जाती है। खैर, इस वक्त मैं हरम शरीफ के करीब अजियाद रोड पे पहुंच चुका हूँ। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये महल हैं, बादशाह के महलों के बिल्कुल सामने बस ने उतार दिया। अब यहाँ से हम जा रहे हैं सीधे हरम शरीफ की तरफ। आगे आ गया हूँ, ये जो होटल आप देख रहे हैं हरम शरीफ के नज़दीक तरीन होटल हैं, तकरीबन कोई 3 स्टार है, कोई 2 स्टार है, बस इसी तरीके से। बाकी जो 5 स्टार हैं वो तो बिल्कुल पीछे हैं, सामने हरम शरीफ के। यहाँ से हम जाएंगे सीधे हरम शरीफ की तरफ। ये सारे लोग माशाल्लाह तबारकल्ला हरम शरीफ की तरफ ही जा रहे हैं, माशाल्लाह तबारकल्ला। और यहाँ से जो गेट लगता है वो लगता है किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट, किंग अजियाद गेट। राइट हैंड पे हरम शरीफ है, वो देखें वो मीनार नज़र आ रहा है। और लेफ़्ट हैंड की तरफ अगर हम चले जाएँ वो भी अजियाद का ही इलाका है, जिस तरफ से अक्सर मैं आया करता हूँ अपनी गाड़ी जहाँ पे मैं खड़ी करता हूँ। थोड़ा सा आगे आ गए हैं, ये देखें यहाँ पर कबूतरों के लिए दाना डाला जा रहा है। ये देखें कबूतर जो है ना, ये जो बड़े दाने हैं ना चने के, ये बड़े शौक़ से खाते हैं, ये वाले दाने ना बहुत शौक़ से खाते हैं। ये देखें भाई ने मुझे दे दिए कि ये कबूतरों को डालें, हाथों से नहीं खा रहे, ये देख कितने शौक से खाते हैं। यहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छा समा बनता है और ये पहली अजान शुरू हो चुकी है। यहाँ पर लोग बैठ गए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। चले जी यहाँ से चलते हैं और देखते हैं कहाँ नमाज अदा करें। सहन के जो सारे रास्ते हैं वो तकरीबन बंद किए जा रहे हैं, ये देखें यहाँ बैरियर लगा दिया, यहाँ से सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। मेरा ख्याल रास्ता कोई खोलेंगे उस तरफ, या पता नहीं कौन सी तरतीब बना रहे हैं। खैर, रास्ते बंद किए जा रहे हैं और इस तरफ माशाल्लाह तबारकल्ला काफ़ी रश हो रहा है। वो देखें किंग फहद गेट तक जो है काफ़ी यहाँ पर रश नज़र आ रहा है। यहाँ से अब मेरा इरादा है कि मैं सीधा इस तरफ चढ़ जाऊं, क्योंकि रास्ते बंद कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा रास्ता खुला होगा फिर बंद होगा। मैं तो ऊपर जा रहा हूं सफ़ा मरवा की तरफ जुम्मा की नमाज़ अदा करने के लिए। रास्ता बंद कर दिया गया है जी, रास्ता बंद कर दिया गया, अब हरम शरीफ की तरफ कोई भी दाखिल नहीं हो सकता, बस ख़त्म। अब जितने लोग हैं सारे के सारे वहीं पर बैठ रहे हैं, सबको ऐसे बिठाया जाएगा, बाहर सफ़े लगेंगे, अंदर दाखिल होना ख़त्म। सब के सब इस तरफ जा रहे हैं सफ़ा मरवा की तरफ जुम्मा की नमाज़ अदा करने के लिए। यहाँ से वैसे तो हरम शरीफ के अंदर जो दाखिल होता है ना, बिल्कुल अजियाद गेट की तरफ जो खाना काबा की तरफ की साइड है, वहाँ पर तो किसी को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। राइट हैंड पे जा रहे हैं सब सफ़ा मरवा की तरफ, अजियाद गेट की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आने दिया। और इस तरफ से जाके आप खाना काबा का बिल्कुल सामने नमाज अदा करेंगे इंशाअल्लाह, जुम्मा की नमाज़ खाना काबा के सामने अदा करेंगे। अगर आप हरम शरीफ आते हैं और आप इलेक्ट्रिक जो व्हील चेयर है वो यूज़ करना चाहते हैं, तो जब आप अजियाद गेट से अंदर दाखिल होंगे साथ ही राइट हो जाएंगे तो ये सब्ज बैरियर आपको लगे नज़र आएंगे। और ये देखें यहाँ पर जो व्हील चेयर है उसका स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ से आप अपने लिए व्हील चेयर ले सकते हैं। सफ़ा मरवा, तवाफ़ और सफ़ा मरवा दोनों आप कर सकते हैं।
बाकी ये देखें, अंदर आया हूँ तो नमाजी जो है माशाल्लाह बैठे हुए हैं जुम्मा की नमाज़ अदा करने के लिए। रास्ते बंद कर दिए गए राहदारी छोड़कर, ये देखेंगे राहदारी छोड़ी और ज़्यादा मतलब रश नहीं होने दिया, रास्ते बंद कर दिए। तवाफ़ तकरीबन रुक चुका है और सब के सब जुम्मा की नमाज का इंतज़ार कर रहे हैं। देखें माशाल्लाह तबारकअल्लाह, मैं यहीं पर रुक गया हूँ जुम्मा की नमाज़ अदा करने के लिए, आगे नहीं गया। देखें आगे जो है रश है, आगे नहीं जा पा रहे। नमाज के बाद इंशाल्लाह आगे जाएंगे और खाना काबा की भी ज़्यारत करेंगे। तब तक यहाँ इंतज़ार करते हैं जुम्मा की नमाज़ अदा करने का। أشهد أن محمد رسول الله. جمعہ کی نماز الحمدللہ ادا ہو چکی ہے اور نماز کے بعد لوگ دیکھیں دعاؤں میں بھی مصروف ہیں، خانہ کعبہ کے بالکل سامنے دعائیں مانگ رہے ہیں اور یہ ہے جی خانہ کعبہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھیں یہاں سے بہت کلیئر نظر آتا ہے جی حجر اسود، یہ دیکھیں حجر اسود ہے، ملتزم ہے اور پیچھے حتیم ہے۔ اس طرف یہ جو کونہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا کونہ، یہ ہے رکن یمانی اور اس طرف ہے مقام ابراہیم۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ مطاف جو ہے وہ فل ہے، فل ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز کے بعد الحمدللہ زیارت ہوگی خانہ کعبہ کی، اب یہاں سے نکلیں گے جی حرم شریف سے باہر۔ یہاں سے میں چل پڑا ہوں حرم شریف سے نکلنے کے لیے، لیکن یہ دیکھیں ماشاءاللہ رش دیکھیں، حرم شریف سے نکلنے والوں کا رش دیکھیں، جو اس طرف جا رہے ہیں سارے حرم شریف سے نکلنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جو اس طرف سے ادھر آ رہے ہیں یہ سارے طواف کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں واپس جانے والوں کا رش زیادہ ہے، طواف ادا کرنے والوں کا رش کم ہے۔ آج کافی عرصے کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے جمعہ کی نماز ادا ہوئی ہے، ماشاءاللہ بڑا سکون آیا، بڑا مزہ آیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب یہاں پر طواف ہی ماشاءاللہ شروع ہو چکا ہے اور لوگ باہر بھی نکل رہے ہیں، میں بھی اب جا رہا ہوں سیدھے باہر، باہر کی پوزیشن دیکھیں گے پھر انشاءاللہ واپس جائیں گے۔ یہ ہے جی رش نکلنے کا، حرم شریف سے نکلنے کا رش یہ ہے آپ سب کے سامنے۔ آج کل ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت رش ہے، بہت رش ہے۔ زیادہ تر جو عمرہ زائرین ہیں وہ عرب ممالک میں سے ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اور یہ جی حرم شریف سے ہم آگئے باہر، ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ دیکھیں سمندر ہے جی سمندر، نمازیوں کا سمندر ہے یہاں پہ، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یا اللہ کیا خوبصورت منظر ہے۔ اس طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ کنگ عبدالعزیز گیٹ کی طرف، یہ دیکھیں یہاں سے لوگ نماز ادا کرنے کے بعد نکل رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، زیادہ تر عمرہ زائرین بھی ہیں اور اس میں ماشاءاللہ تبارک اللہ سادہ لوگ بھی ہیں۔ اور یہ جی نماز پڑھ کے باہر آ گیا ہوں، یہاں پر بالکل کنگ عبدالعزیز گیٹ کے سامنے، کنگ اجاد گیٹ کے بالکل سامنے، اور باہر آنے کے بعد یہ پوزیشن ہے جی ماشاءاللہ تبارک اللہ، کافی کافی رش ہے۔ بس اب یہاں سے میرا ارادہ ہے اس طرف جانے کا۔ دیکھیں پانی بانٹا جا رہا ہے، یہ دیکھیں مویا بارد، شکران، پانی بانٹا جا رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں کتنی بڑی ماشاءاللہ مقدار میں ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ۔
यह है जी ठंडा पानी बांटने के लिए, ठंडा पानी, और सिर्फ ठंडा नहीं यहाँ पर बर्फ भी है। हरम शरीफ से निकला, रोड पे पहुँचा, पानी लिया तो मोबाइल हो गया बंद। खैर आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने भाई को दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।